हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:15 और उसके बाद हमने बनाया है आज हमारे ब्रेकफास्ट में मैगी। ये मैंने थोड़ी सी सिंपल रखी है, थोड़ी क्या इनफैक्ट ज़्यादा ही सिंपल रखी है मैंने ये सिर्फ बॉईल करने के लिए। वैसे तो हम यूजुअली वो प्याज टमाटर वगैरह का तड़का लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं हम उसमें, लाइक प्याज टमाटर आलू मटर भी डाल देते हैं कई बारी, वैसे तो हम वो वाली बनाते हैं, बट ये थोड़ा इंस्टेंट बनानी थी तो मैंने फटाफट इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। ऐसे ही हल्का सा बटर डाल के उसमें हमने मसाला जो था मैंने उसका वो भुन के और उसमें हमने मैगी बना दी फटाफट। तो साथ में हमने बनाई है चाय और यहाँ हम कर चुके हैं सुबह की हमारी जोत जो कि हम डेली करते हैं। उसके बाद हमने बनाया है दोपहर के लिए खाना जो कि है हमारी पनीर की सब्ज़ी और साथ में देखिए हम क्या बनाने वाले हैं, एनी केसेस चावल बना रहे हैं हम आज साथ में इसके। रोज़ तो हम रोटी बनाते हैं तो आज सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसके साथ हम चावल ट्राई करते हैं क्योंकि पनीर की सब्ज़ी ग्रेवी वाली हो और साथ में चावल हो तो वो भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है जो कि हमें काफ़ी पसंद आता है। खाना खाने के बाद हमने किया रेस्ट और शाम को हमने ऑर्डर किया द हेवंस शेक से हमारा कुछ फेवरेट मील। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा हमने क्या ऑर्डर किया है। हमेशा की तरह हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे किटकैट शेक जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे पर्सनली इनका कॉफ़ी भी पसंद आता है जो कि है कोल्ड कॉफ़ी सिंपल वाली, बट यहाँ पे हमने इस वक्त हमने ऑर्डर किया था हमारा किटकैट शेक जिसे हम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। दो चीज़ें जो इनकी ड्रिंक्स में मुझे इनकी अभी तक दो चीज़ें बहुत पसंद आई हैं और एक चीज़ पसंद आई अभी तक खाने में, और वो खाने में क्या है आप जल्दी से मुझे कॉमेंट करके गेस करो कि क्या हमने मंगाया होगा खाने में। वैसे तो मोस्टली लोगों को पता चल ही गया होगा अभी तक कि हमने क्या मंगवाया है खाने में। हाँ जी, हमने मंगवाया है खाने में यहाँ पे हमारा फेवरेट वड़ा पाव। अब हेवन शेक्स है तो वड़ा पाव तो बनता है, वड़ा पाव के बिना हेवन शेक्स हमारे लिए इनकम्प्लीट ही है जो क्योंकि हमें ये इतना बेस्ट लगता है ना खाने में। अगर हमें हेवन शेक जाना है तो हमें मतलब वड़ा पाव चाहिए ही चाहिए, मुझे तो मेरे घर वालों को भी चाहिए ही है, मेरे घर में सबको काफ़ी पसंद आता है ये वड़ा पाव, तो हम हमेशा मोस्टली यहाँ से वड़ा पाव तो खाते ही है। अभी तक हम 3-4 बार बाहर भी जाके खा के आ चुके हैं तो हमने सोचा एक बार हम घर में मंगवाते हैं, तो हमने किया था ये ऑर्डर। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।